गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैं मैथ की वीडियो लेके आया था, आज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैं साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा सेशन ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। जो हमारा रक्त है, जो ब्लड है, जैसे हाथ में कुछ लग जाता है तो ब्लड निकलता है, वो थोड़ी देर के बाद वो ब्लड क्या होता है, उसका थक्का जम जाता है, वो जम जाता है, तो किस विटामिन के कमी के कारण जमता है, वो किसके कारण जमता है, वो विटामिन के कारण जमता है। तो विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, रेलवे का एग्जाम हो या लोको पायलट का, रेलवे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें विटामिन से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये विटामिन के। पौधे का बोनापन किसके कारण होता है, कि जो पौधे होते हैं वो बोने रह जाते हैं, वो किसके कारण रह जाते हैं, उसका ऑक्सीन या हार्मोन, जो मेन रीजन होता है मनुष्य में भी यही रीजन होता है कि हार्मोन की कमी के कारण जो बच्चे का विकास नहीं हो पाता, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, तो पौधों में भी सेम है कि ऑक्सीन उसको बोलते हैं, ऑप्शन में ऑक्सीन मिलेगा या हार्मोन मिलेगा। तो वजन की इकाई क्या है, वजन की इकाई को हम कहते हैं किलोग्राम, वजन की इकाई क्या है, किलोग्राम। विटामिन डी का रासायनिक नाम, ये रासायनिक नाम जरूर याद करना है, कोई से ना कोई से विटामिन का नाम पूछा जा रहा है, कि जैसे इसमें पूछ रखा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आर्गेकेन सी फेनोल, फेनोल फिनोल, ये क्या है, आर्गेकेन सी फेनोल, तो विटामिन डी का नाम याद रखना है आपको। तो वैक्सीन की खोज किसने की थी, वैक्सीन का जो टीके की खोज किसने की थी, ये एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने वैक्सीन के टीके की खोज की थी। उसके साथ याद क्या है कि आवाज की पिच पर किस पर, आवाज की पिच किस पर आधारित होती है, तो आवाज की पिच हमेशा आवर्ती पर आधारित होता है। और आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं उनकी आवाज क्या होती है, तीखी होती है, उनकी आवाज पतली होती है, जबकि जो आदमी होते हैं उनकी आवाज मोटी होती है। इसका क्या कारण है, इसका कारण यही है कि उनकी आवृत्ति जो है वो ज्यादा होती है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि जो महिलाओं की आवाज है वो पतली क्यों होती है, क्योंकि उनकी आवृत्ति ज्यादा है इसलिए उनकी आवाज पतली रहती है। आगे पूछ रखा कि हीरे का क्रांतिक कोण का मान क्या है, तो हीरे का क्रांतिक कोण का मान है 2.42। एम्पियर किसका मात्रक है, ये मात्रक हमेशा पूछा जाता है साइंस में कि किसका क्या मात्रक है, तो एम्पियर का मात्रक क्या है, धारा का मात्रक है। एम्पियर किस चीज का मात्रक है, धारा का। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, अब नाम से ही पता लग रहा है आपको कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से वोल्ट ही मापेंगे, तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्ट। अच्छा, फैराडे का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो विद्युत अपघटन पर। फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो किस किस चीज पर आधारित है, विद्युत अपघटन पर, विद्युत अपघटन आपको इसको लिखेंगे, अपघटन नहीं लिखेंगे। अनुवांशिकी के पिता जॉन मेंडल, तो अनुवांशिकी पिता कौन है, जॉन मेंडल। कार्य का मात्रक, जो कार्य का मात्रक है वो कौन है, जूल। कार्य करने, कार्य को हम हमेशा किस चीज में मापते हैं, जूल में हम कार्य को मापते हैं। तो विटामिन ए शरीर में के किस भाग में रहता है, जो विटामिन ए है वो हमारे शरीर के किस भाग में रहता है, ये आपको बताना है, तो किस भाग में रहता है, लीवर में, ये हमारा यकृत है। और आपको बता दूं कि हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो भी क्या होती है, लीवर ही होती है। अच्छा, उसके साथ है ईईजी, ईईजी किस पर आधारित है, ईईजी, ईईजी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो एंजियोग्राफी, जो हार्ट के पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रो एंजियोग्राफी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई जाती है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई जाती है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर वो बनाई जाती है। तो ये अभी लोको पायलट में पूछा गया था क्वेश्चन, तो किस चीज में बनाई जाती है, एटॉमिक नंबर। पौधों में परमानेंट टिश्यू कौन सा है, पौधों का जो परमानेंट टिश्यू है वो बताना है, कि जो पौधों का परमानेंट टिश्यू है वो कौन सा है, पेरिकाइमा, इसका नाम क्या है, पेरिकाइमा, तो ये आपको याद रखना है, पौधे का परमानेंट टिश्यू पेरिकाइमा। पौधों के किस भाग से बीज बनता है, तो पौधों के किस भाग से बीज बनता है ये हमने बताना, तो ओव्यूल या ओवरी, आप कोई सा भी ऑप्शन दिख जाए तो आपने टिक करना है, ओव्यूल या ओवरी, वो पौधों के ये बीज बनता है। मनुष्य के शरीर में स्पाइनल नर्व, हमारे शरीर में स्पाइनल नर्व कितनी होती है, वो 32 होती है, वो याद रखना आपने कि स्पाइनल नर्व जो है वो 32 है। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है, 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है, उसके बाद मरती रहती है और नई आरबीसी बनती रहती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे,
कि आपने अगर पूरी वीडियो देखा है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।